लेक्चरर के लिए जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है, एमसीक्यू जिन बच्चों का टेस्ट हुआ है, काफ़ी मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हमें ये बताएं कि कट ऑफ मार्क कितना है, मतलब सक्सेस हासिल करने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए जैसे हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करें। तो काफ़ी बच्चों को बात समझ नहीं आ रही। देखें, एमसीक्यूज आपकी 50 हैं और 50 एमसीक्यूज में आपके नेगेटिव मार्किंग भी हैं, तो सारे बच्चों ने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया है किसका 47, 46 बन रहा है, किसका 52, 50, 55, कुछ का 60 है, किसका 67 है, जो मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं। हालांकि मैंने पहले भी आपको क्लियरली बताया है कि भाई आप वीडियो के कमेंट्स के नीचे लिखा करें और मैं आपको जवाब दूंगा। और कुछ लोग पर्सनली क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर हमें बताएं, मैं परेशान हूँ। कुछ लोग तो बिल्कुल कम्प्लीटली कन्फ्यूज़ हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर करूँगा कि कितने में पास है, आपको कितने मार्क्स लेने चाहिए और सीट के हिसाब से किन किन को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आज के सेंस में, जितने मुझसे सवाल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नंबर वन पे ये है कि जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मतलब नेगेटिव मार्किंग के बाद उनका अगर 50 प्लस है तो वो समहाउ सेफ जोन में है, उनके चांसेस हैं कि वो सेफ जोन में है, मतलब चांसेस हैं इन बच्चों के, मतलब 90% इनके चांसेस हैं जिनके 50 प्लस हैं। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, 50 से जो कम है, तो जो असल बात है, जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ कि अब बेसिकली रूल क्या है, फेडरल पब्लिक कमीशन हो, पंजाब पब्लिक हो, सिंध पब्लिक हो, इनका जो रूल होता है वो एक सीट पे 3 लोगों को बुलाते हैं। अब नोट करें, इस बात को समझें, अपने थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाऊँगा। एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया जाता है। सपोज़ कि अगर आप अनाउंस करते हैं, आप कहीं पे हेडमास्टर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आपको एक सीट दी जाती है कि भाई एक बंदे को अपॉइंट करना है, तो नेचुरली आप क्या करेंगे, आप 10 लोगों का तो इंटरव्यू नहीं लेंगे, आप 20 का तो नहीं लेंगे। पहले तो आप सबसे पहले उनका एमसीक्यू टेस्ट लेंगे, जो पास करेंगे एमसीक्यू टेस्ट के बाद उनका आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो बेसिकली जो रूल है, एक सीट के अगेंस्ट 3 लोगों को बुलाना है। नोट करें, एक सीट के अगेंस्ट 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, ये बेसिकली रूल है। अगर सीट एक होती है तो फेडरल पब्लिक या सिंध पब्लिक 5 लोगों को बुलाती है। 5 लोग कौन से हैं, वो 5 लोग जो टॉप मेरिट लिस्ट में आएंगे। सपोज़ कि अगर 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 3 लोगों को पास करना है, जो टॉप सलाट में 3 लोग होंगे ना, नोट करें, वो 99 उठाएं, 98 उठाएं, 90 उठाएं, 50 उठाएं या आपका 40 उठाते हैं, तो वो टॉप सलाट में जो भी 3 लोग होंगे एक सीट के अगेंस्ट उनको बुलाया जाएगा। मेरे ख्याल में मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी इसको और डिटेल में जाता हूँ। ये ज़्यादा सीट्स जब होती हैं, जैसे इसमें ज़्यादा हंड्रेड्स तक सीटें हैं अर्बन रूरल को दोनों को मिला के, गर्ल्स वुमेन का, मेल और फीमेल दोनों मिला के, जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं, एजुकेशन में बैठ रहे हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जितने भी आप सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश लेक्चर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं या एजुकेशन में जो दे रहे हैं, तो कट ऑफ जो बेसिकली होता है ना, उसका जो रूल है भाई, थोड़ा सा समझें इसको। वो आपका ज़रूरी नहीं है कि आपने 50 किया तो आपको बुलाया जाएगा। अब वो डिसाइड करेगी कमीशन कि जो मेरिट में टॉप में लोग आए ना, उनको बुलाया जाए। जो मेरिट में टॉप में आएंगे उनके बाद उनका इंटरव्यू होगा, फिर दोबारा फिर मेरिट बनेगी, रिटन और इंटरव्यू मिला के दोनों की आपकी मेरिट बनेगी। और जो टॉप स्लॉट में लोग हो, अगर एक सीट एक बंदे को उठाना है, तो टॉप पे जो आएगा रिटन और एमसीक्यूज मिला के उसको बुलाया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज का रूल ये है, जो टॉप स्लॉट में जो भी 3 लोग हैं, और देखें अगर पास करने वाले लोग 40 से ज़्यादा नहीं जा रहे, सपोज़ के मेजर पार्ट में 40 से ज़्यादा नहीं जा रहे, मेजॉरिटी 40-45 तक है, 50 भी नहीं क्रॉस कर रही, तो सिंध पब्लिक 40 पे भी आपको बुला सकता है। नोट करें, अगर मेरिट हाई जा रही है, जैसे लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान है, इजी पेपर है, अगर लोगों का 90 भी सही है, 90 तक अगर लोग जा रहे हैं, तो वो टॉप स्लॉट वाले सारे लोगों को कैलकुलेट करके 100 सीट के हिसाब से या 50 के हिसाब के 3 लोग एक सीट पे बुलाएंगे, फिर वो कोई भी खुश नसीब हो सकता है जो टॉप स्लॉट में आएंगे, तो वो सेफ जोन में है। तो अब अभी डिसाइड करना, अभी मतलब कंक्लूड करना ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको कहूँ कि हाँ यार ये फेल है वो पास है, ये तो बुरी बात है, बिल्कुल ख़राब बात है। जो सही बात ये है कि अभी आप वेट करें, अगर आपका 50 प्लस है तो आप इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू करें, मेरी तरफ से आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें, आप सेफ जोन में हैं, चांसेस हैं आपके
लेकिन फिर भी आप वेट करें कि देखें मेरिट कट ऑफ मेरिट कहाँ पे आ रही है। 45 हमारे दौर में 45 वाले लोग भी पास हुए थे, 40 प्लस वालों को भी अर्बन में बुलाया गया था क्योंकि अर्बन में कंपटीशन कम था। तो अब डिपेंड करता है कि सिंध पब्लिक कट ऑफ जो है टॉप स्लॉट में लोग कौन कहाँ पे जा रहे हैं। अगर लोगों ने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं तो हाईएस्ट मार्क्स में टॉपर को बुलाया जाएगा। अभी भी इसके बावजूद भी अब मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी, अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कमेंट में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाऊँ अगर मेरे से कोई सवाल रह गया है। तो ये था आज के लिए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि पहले मैंने आपको बताया कि PST JST की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। अगर जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में फाइनल कर रहा हूँ और 20 से हमारी क्लासेस शुरू हैं। हम कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों को कराएंगे PST JST की, जिसमें साइंस आपका होगा, मैथमेटिक्स होगा, उसमें आपका सोशल स्टडीज़ होगा, कंप्यूटर साइंस है और इंग्लिश है, ये सारे सब्जेक्ट्स लैंग्वेज के अलावा उर्दू सिंधी के अलावा सारे सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी कराई जाएगी। तो ये था आज के लिए। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आपसे पूछ रहे हैं कि कट ऑफ मार्क कितना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।